श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु सांदीपनी आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके सेवाधाम आश्रम में उज्जैन शहर के तमाम श्री कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही और 2 दिन तक श्री कृष्ण मंदिरों सजाया गया। सभी कृष्ण भक्त भक्ति में रंगे हुए नजर आए और पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर पहुंचे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक पूजन होगा, तत्पश्चात ध्वज उत्सव 6 बजे ध्वज चढ़ाया जाएगा। 6 बजे बाद में लगभग जन्मोत्सव स्टार्ट हो जाएगा और सुबह से यहाँ पे खीर और शादी का वितरण किया जाएगा, जो दिन भर चलते हुए अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। दिन में 11 से 3 तक का प्रबंध करता है और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है शाम की। अष्टमी पर कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं? अभी जन्माष्टमी पर तो ये भागवत कथा चल रही है, 7 दिन हो गए आज। कल जन्माष्टमी है 19 तारीख की और शुक्रवार है और बहुत भाविक लाखों जनता आएगा और कल कथा संतुलन है, जिसके बाद में रात में भंडारा भी है। भगवान का जन्मदिन है कृष्ण सुधा माता और रात लीला चलती है और जितने श्रद्धालु आते हैं और खीर का भंडारा है। गुरुकुल भगवान का इसी स्थान पर भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम जो कि उज्जैन में स्थापित है, इस स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 2 दिवसीय पर्व है, जो कि आज रात्रिकाल शैव मतानुसार सप्तमी और अष्टमी के मध्य रात्रिकाल 12 बजे भगवान कृष्ण की यहाँ जन्मार्थी होगी, उसके पूर्व 11 बजे से भगवान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।